देख रहे हैं कि यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के बाहर कुछ देर पहले आरआरबी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है, लेकिन अभी एनटीपीसी और आरआरबी का प्रदर्शन तो समाप्त हुआ है कुछ देर पहले, लेकिन अब दूसरे छात्र जो हैं वह राजस्व और भूमि सुधार विभाग के हैं और यह वेटिंग लिस्ट में ये लोग छात्र हैं और ये लोग अपने मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी हैं वो उन्होंने यह आरोप लगाया सरकार पर कि इनकी जो वेटिंग लिस्ट में है लेकिन अब तक इनको सेवा का मौका नहीं दिया गया। हम बात करेंगे, क्या है आपकी मांगे क्या है? हम सब सर विशेष सर्वेक्षण अमीन के वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट है सर। हम सबका वेरिफिकेशन 2019 में सर हो चुका है, हम सबको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है सर और पेपर के माध्यम से मीडिया के माध्यम से अवगत कराया गया है कि आप सबको लिया जाएगा। देख लीजिए सर, राजस्व भूमि सुधार में 2000 से अधिक पद भरे जाएंगे पुराने पैनल से, हम सब पुराने पैनल से स्टूडेंट है सर और सीट हम सबका यही है कि आप जितना पद निकाले थे सीट खाली है सर 2000 से अधिक, उस पद को वेटिंग लिस्ट से भर दें सर। हम सबका आदेश भी सर डायरेक्टर सर ऑफिशियल ऑर्डर है, ऑर्डर है सर, हम सब निकाले 27 अगस्त 2021 को निकाला गया है सर। हम सब सर 2 साल से परेशान है इसके लिए सर, हम सबको नहीं लेना था तो आप मेरा वेरिफिकेशन काउंसिलिंग करवा के क्यों रखे, जितना सीट था उतने को ज्वाइनिंग करवा लेते, तो सीट अगर खाली है तो फिर वेटिंग में रखने का वजह है कि सर सीट खाली को फुल करना, लेकिन अभी तक सीट फुल नहीं किया जा रहा है सर। और आदेश निकालने के बाद भी देखिए सर, सरकार के नियमानुसार रिक्त पदों को घोषित नियोजन की कार्रवाई अंकित कर अस्थायी पत्रिका सूची के संबंधित पदों को प्रकाशित विज्ञापन नियत शर्तों के अनुरूप की जाएगी, मतलब शेष पदों की चयन सूचीबद्ध कार्रवाई की जाएगी। मतलब अभी सर ये ऑर्डर निकालने के बाद भी सर ये ऑर्डर पर सरकार मतलब सक्षम नहीं है सर। अगस्त में इस ऑर्डर को निकाला गया है पहली बात, हम सबका मांग यही है कि ये ऑर्डर एक व्यक्ति इंसान ने निकाला, एक कमेटी मेंबर के द्वारा सुझाया गया, सरकार के द्वारा निकाला गया, सरकार के निर्णय अनुसार लिखा गया, सरकार इस बात को कमेटी बनाकर इसको आदेश दिया कि इन लोगों को लिया जा रहा है। पेपर में अगले दिन 27 तारीख को इसमें नोटिस निकला, 28 तारीख को पेपर में दे दिया गया कि 2000 लोगों की बहाली की जाएगी। कहाँ की गई है? अगर की जाती तो हम लोग यहाँ नहीं रहते। साफ तौर पे देख रहे हैं कि बिहार में जिस तरह की परीक्षाएं होती है, परीक्षाएं होने के बाद उनको काउंसलिंग की जाती है, काउंसलिंग करने के बाद जो चयनित होते हैं उनको सर्टिफिकेट रख लिया जाता है और उनको फिर ज्वाइनिंग देने की बातें आते हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से फिर उनका ज्वाइनिंग रुक जाता है और उसके बाद प्रदर्शन का सिलसिला शुरू होता है। अभी तो जिस तरह से रेलवे के छात्रों ने प्रदर्शन किया था और उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के बाहर में ये राजस्व एवं भूमि सुधार के जो अभ्यर्थी हैं जो वेटिंग लिस्ट में है, लेकिन इनको अब तक सेवा का अवसर नहीं दिया जा रहा है। इनका कहना है कि रिक्त पद तो है, काफी है, सरकार ने उसको भरने के लिए वादे भी किए हैं, अब ये लोग चयनित हो गए हैं, इनकी काउंसलिंग हो गई है, लेकिन उसके बाद भी इनको ऑर्डर निकालने के बाद भी रिक्त पद होते हुए भी क्यों नहीं ये जो है इनको सेवा का अवसर दिया गया है। और ये लोग अब सरकार के तरफ सरकार के जो आदेश होते हैं उसको लेकर के यह जो अब ये लोगों की मजबूरी है कि अब सरकार जब इनकी बात नहीं मानते तो राजनीतिक पार्टियां खास करके सरकार के विरोध में जो भी विपक्ष के पार्टियां होते हैं इनका मजबूरी होता है कि यहां आके प्रदर्शन करते हैं, लेकिन स्थिति यह है कि प्रदर्शन करने के बाद भी बड़े बड़े पार्टीज जो हैं वह कार्यालय के अंदर उनके वरीय नेता नहीं होते हैं या विपक्ष के जो बड़े नेता होते हैं वो नहीं मिलते हैं और इन लोगों का जो मेहनत होता है जिसमें ये परीक्षा देते हैं, परीक्षा पास करते हैं, काउंसलिंग होते हैं, उसके बाद ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है और यह दर बदर ठोकर खाने पर मजबूर होते हैं और यह सरकार के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों के पास भी आते हैं। अभी राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के बाहर में है लेकिन यहाँ पर इनसे नेता की मुलाकात हुई है नहीं, क्या आश्वासन मिला है अभी ये क्लियर नहीं है। किस तरह से देख रहे हैं आपको, यहाँ पर किसी नेता से मुलाकात हुई है आपकी? सर मुलाकात तो हुई है सर, हम मिले उनसे, हम क्या क्वेश्चन करें सर, क्वेश्चन तो हमारे जो अभी सत्ता में उनसे करना चाहिए ना सर। हम लोग 3 साल से परेशान हैं और परेशान है कि यहाँ जेल, हमारे दोस्त भी लोग भी जेल भी जा चुके हैं, लाठी भी खा चुके हैं और यहाँ तक कि 3 साल से मेंटल टॉर्चर भी किया जा रहा है और अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर वैकेंसी नहीं नया निकला तो हमारे दोस्त लोग आत्मदाह कर लेंगे और आत्मदाह जो करेंगे उसका जिम्मेवार हमारे जो राजस्व भूमि सुधार के डायरेक्टर हैं जय सिंह, वो उसका जिम्मेवार होंगे और बीजेपी के मंत्री जो है राजस्व भूमि सुधार के माननीय राम सूरत हैं वो जिम्मेवार होंगे। हम यही कहना चाहेंगे सर, क्योंकि अभी तक वैकेंसी नहीं आती है, अगर आती है तो हम लोग नया वैकेंसी आती है तो हम लोग आत्मदाह करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है सर।
हमारे पास मांगे पूरी करो। साफ तौर पे वेटिंग लिस्ट को क्लियर करने की बात कह रहे हैं। अपने मांगों को लेकर यहां नाराबाजी किया जा रहा है। रिक्त पदों पर बहाली करने की बातें आ रही हैं। अब देखना होगा कि ये जो छात्र हैं इनका चयन हो गया है लेकिन उसके बाद भी इनको क्यों नहीं सेवा का मौका दिया जा रहा है। और यह जो प्रदर्शन का सिलसिला है लगातार बिहार में देखा जाता है और खास करके युवाओं में जो बेरोजगारी के वादे जो सरकार बनने के पहले किए गए थे उसको लेकर के भी कई तरह से विपक्ष का प्रभार ही हुआ है। लेकिन अब तक बेरोजगारी के नाम पे राजनीति तो हो रही है लेकिन बेरोजगार छात्र जो हैं चयनित होने के बाद भी सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर हैं। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।